तो बच्चों अब बढ़ते हैं हम अपने अगले कंसेप्ट वीडियो की ओर। इस कंसेप्ट वीडियो में हम जानेंगे कि किसी भी मटेरियल की रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करती है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने पर उस पर क्या असर पड़ता है। द रेजिस्टिविटी ऑफ ए मेटलिक कंडक्टर इज अप्रोक्सीमेटली गिवन बाय दिस रिलेशनशिप। अब आपकी स्क्रीन पर जो फॉर्मूला लिखा हुआ है डरावना दिखने में है, लेकिन है बहुत आसान। इसे समझने का प्रयास करते हैं। बच्चों आपकी स्क्रीन पर पहला टर्म रो टी, यहाँ पे टी जो है ये सबस्क्रिप्ट है, ये बताता है हमें कि टी टेम्परेचर पे मटेरियल की रेजिस्टिविटी कितनी होगी, हमें यही वैल्यू फाइंड आउट करनी है। राइट हैंड साइड में पहला टर्म रो नॉट रिप्रेजेंट करता है रेजिस्टिविटी एट अ रेफरेंस टेम्परेचर टी नॉट, यानी कि हम एक रेफरेंस टेम्परेचर लेंगे, उस रेफरेंस टेम्परेचर पे रेजिस्टिविटी की क्या वैल्यू है ये हमें मालूम होना चाहिए, तभी हम एक हायर टेम्परेचर में रेजिस्टिविटी का वेरिएशन मेजर कर पाएंगे। अगला फैक्टर है अल्फ़ा। अल्फ़ा किसी भी मटेरियल का टेम्परेचर कोफिशियंट होता है, दिस इज द टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टिविटी। ये वो फैक्टर है जो हमें बतलाता है कि किसी भी पर्टिकुलर चेंज इन टेम्परेचर के लिए रेजिस्टिविटी में जो चेंज आएगा वो कितना बड़ा या कितना छोटा होगा। साथ ही साथ टी माइनस टी नॉट, जैसा कि हमने डिस्कस किया, हम टी टेम्परेचर वैल्यू पे हमारी नई रेजिस्टिविटी की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, और टी नॉट वो बेस टेम्परेचर या वो रेफरेंस टेम्परेचर होगा जहाँ पे हमें रेजिस्टिविटी की इनिशियल वैल्यू दे रखी होगी। अल्फा टेम्परेचर कोफिशियंट है, चूंकि इट इज़ मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर डिफरेंस, यानी कि इसकी यूनिट होनी चाहिए टेम्परेचर इनवर्स। अगर आपने केल्विन में दे रखा है तो इसे केल्विन इनवर्स होना चाहिए। मेटल्स की बात करें तो उनके लिए टेम्परेचर कोफिशियंट की वैल्यू पॉजिटिव होती है, यानी कि ये इस बात का भी इंडिकेटर है कि अगर अल्फ़ा टेम्परेचर कोफिशियंट की वैल्यू पॉजिटिव है, और साथ ही साथ अगर हम उस कंडक्टर का टेम्परेचर चेंज करते हैं, बढ़ाते हैं, तो रेजिस्टिविटी में जो भी चेंज आएगा वो एक पॉजिटिव चेंज होगा। अब चूंकि आर हमारे मटेरियल का रेजिस्टेंस वो रेजिस्टिविटी पे डिपेंड करता है, इट इज़ डिपेंडेंट ऑन रेजिस्टिविटी बाय दिस फॉर्मूला आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। तो अगर मैं टी टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहूँ तो वो मैं इस तरीके से कर सकता हूँ। मुझे टी टेम्परेचर पे रेजिस्टिविटी की वैल्यू रखनी होगी। अब चूंकि हमारा लेंथ भी एक्सपेंड करेगा टेम्परेचर बढ़ाने पे, साथ ही साथ एरिया का भी एक्सपेंशन होगा, तो हम वो दोनों फैक्टर्स का भी ध्यान रखेंगे। बच्चों आपकी स्क्रीन पर टेम्परेचर कोफिशिएंट की दो वैल्यूज लिखी हुई हैं, एक एल्यूमिनियम मटेरियल के लिए और दूसरी कॉपर मटेरियल के लिए। अगर आप ध्यान से देखें तो ये ऑलमोस्ट 0.004 के बराबर हैं, यानी कि पर डिग्री टेम्परेचर में राइज करने पे इनकी लेंथ में इतना इजाफा होगा, इतना इंक्रीमेंट होगा। तो बच्चों पुराने इक्वेशन को सॉल्व करने पे हमें यह नई वैल्यू मिलती है रो नॉट एल नॉट अपॉन ए नॉट मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। आपके मन में यह प्रश्न आ रहा होगा कि हमने लेंथ और एरिया के एक्सपेंशन को क्यों इग्नोर कर दिया, या हमारी इक्वेशन में हमने उसे नेग्लिजिबल कैसे माना। अगर आप ध्यान दें तो आपकी स्क्रीन पर मैंने दो वैल्यूज़ दिखाई हैं जो कि लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट की वैल्यूज़ हैं कॉपर और एल्यूमिनियम के लिए। इनकी वैल्यूज़ बहुत कम हैं, 0.004 का ये पर यूनिट डिग्री चेंज दिखाते हैं, यानी कि अगर हम ए एल डेल्टा टी, चूँकि डेल्टा टी अगर हम 1 लेते हैं या 10 भी ले लें,
तो ये दोनों टर्म्स जो हैं हम इग्नोर कर सकते हैं, यानी कि लेंथ में जो इजाफा हुआ है और एरिया में जो इजाफा हुआ है हम उसे इग्नोर कर सकते हैं। और हम उसे इग्नोर इसलिए करते हैं बच्चों क्योंकि अल्फ़ा एल की वैल्यू बहुत कम होती है इन जनरल हमारे कॉपर और एल्यूमिनियम कंडक्टर्स के लिए। बच्चों ये छोटे छोटे अप्रॉक्सीमेशंस हैं जो कि कम टेम्परेचर डिफरेंस के लिए तो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, लेकिन अगर आप लार्ज टेम्परेचर डिफरेंस करते हैं 100 डिग्री का या 150 डिग्री का आपने राइज कर दिया तो वहाँ पे ये फैक्टर्स भी वैलिड हो जाएंगे। बट ये सारी चीज़ें हमारे प्रेजेंट स्कोप ऑफ स्टडी के बियॉन्ड है। तो बच्चों लेंथ और एरिया के एक्सपेंशन को नेग्लेक्ट करने पे हमारे पास फॉर्मूला आता है रो नॉट एल नॉट अपॉन ए नॉट मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। रो नॉट एल नॉट ए नॉट को हम आर नॉट के टर्म्स में लिख सकते हैं। आर नॉट हमारा बेस टेम्परेचर पे जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो फाइनली रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ क्या वेरिएशन होगा वो डिपेंडेंसी हमें इस फॉर्मूले से मिलती है। यहाँ पर आर टी रिप्रेजेंट करता है टी टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस की वैल्यू को। तो बच्चों अगर हम कॉपर की रेजिस्टिविटी को एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर प्लॉट करें तो हमें कुछ इस तरह का प्लॉट मिलता है। तो अगर हम ऑब्जर्व करें कि फॉर टेम्परेचर्स विच आर मच लोअर देन 0 डिग्री सेल्सियस द ग्राफ डेविएट्स कंसिडरेबली फ्रॉम अ स्ट्रेट लाइन, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पे टेम्परेचर पर रेजिस्टिविटी का डिपेंडेंसी लीनियर नहीं होता, यानी कि लीनियरली टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टिविटी में जो चेंज आ रहा है वो इक्वल नहीं है। ऐसा होने पे रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के बीच लीनियर रिलेशनशिप नहीं होगा। तो बच्चों बात करते हैं कुछ मटेरियल्स की जिनका परफॉर्मेंस या उनकी रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के वेरिएशंस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं करती। नाइक्रोम जो कि एक अलॉय है निकल आयरन और क्रोमियम का, यह कुछ अलग ही बिहेवियर शो करता है। इट एग्जिबिट वेरी वीक डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी विथ टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर के बढ़ाने घटाने पर उसके रेजिस्टिविटी में जो वेरिएशन आता है वो बहुत ही इनसिग्निफिकेंट बहुत कम होता है। यानी कि अगर हम रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर को वाई और एक्स एक्सिस में प्लॉट करें तो जो रेजिस्टिविटी का वेरिएशन आ रहा है टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में वो बहुत ही कम आ रहा है। आप खुद ही देख सकते हैं कि 0 केल्विन से हम 800 केल्विन तक जा रहे हैं और जो रेजिस्टिविटी में वेरिएशन हो रहा है वो बहुत ही कम हो रहा है। अगर हम छोटे टेम्परेचर रेंजेस के लिए देखें तो रेजिस्टिविटी ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही मानी जाएगी। तो बच्चों बात करते हैं एक डिफरेंट वैरायटी ऑफ कंडक्टर्स की, सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स की बच्चों अलग कहानी है। यहाँ पर अगर आप इनका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इनकी रेजिस्टिविटी घट जाती है। अब ऐसा क्यों होता है हम देखते हैं। ध्यान से देखें इस कर्व को, बढ़ते टेम्परेचर के साथ रेजिस्टिविटी की वैल्यू घट रही है और ये लीनियरली भी नहीं घट रही है, ये एक्सपोनेंशियली घट रही है। आखिर ऐसा क्यों होता है? बच्चों रेजिस्टिविटी का एक फॉर्मूला चार्ज कैरियर के टर्म्स में हमने पढ़ा था एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। अब एम और ई तो कांस्टेंट है चूंकि ये किसी भी चार्ज कैरियर के लिए फिक्स होते हैं, लेकिन किसी भी कंडक्टर के लिए एन फिक्स नहीं होता। बच्चों एन रिप्रेजेंट करता है चार्ज कैरियर्स की नंबर डेंसिटी। नंबर डेंसिटी मतलब नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल। तो अगर आप रिलेशनशिप देखें कि रेजिस्टिविटी नंबर ऑफ चार्ज कैरियर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और बच्चों सेमीकंडक्टर्स की खास बात यह होती है कि टेम्परेचर बढ़ने पर इनके चार्ज कैरियर्स बढ़ जाते हैं, और अगर ऐसा होगा तो हमारे रेजिस्टिविटी की वैल्यू अपने आप घटने लगेगी।
तो बच्चों इस टॉपिक की समरी आपके स्क्रीन पर, हमने देखा कि ओम्स लॉ क्या होता है, जो हमारा कांस्टेंट यानी कि रेजिस्टेंस होता है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल की क्या रिप्रेजेंट करती है और वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर के साथ उसका कैसा वेरिएशन होता है, और अलग अलग टाइप के कंडक्टर्स के लिए टेम्परेचर के वेरिएशन के साथ रेजिस्टिविटी में क्या वेरिएशन होता है, ये सारी बातें आप ध्यान रखेंगे। तो बच्चों ये सारे रिलेशनशिप सीखने के बाद आप एनसीईआरटी और वर्कबुक के स्क्रीन पर दिए गए ये सारे सवाल अटेम्प्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।